एक वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग अपने लिम्ब बालों में बाउंस कैसे लेके आते हैं, और उसका आंसर हमारा है ये क्रिम्पर। अगर हम लोग एक सेक्शन में क्रिम्पर करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर क्रिम्पर करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे बालों में खुद ही बाउंस आ जाएगा, और हमें कोई बैक कॉम्बिंग चाहिए। जो बैक कॉम्बिंग का तरीका है ना, बहुत पुराना तरीका है, इससे हमारे बाल टूटते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न जो हमारा जमाना चल रहा है, मॉडर्न हमारी टेक्निक चल रही है, वो ये चल रही है कि हम लोग लेते हैं एक बॉक्स सेक्शन। ये वो पीस है जो हमारा बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। हम इसको 90 डिग्री के ऊपर, ये बहुत जरूरी है, तभी हमारे बालों में बाउंस आएगा। देखा, 90 डिग्री में हमने इसको बिल्कुल क्रिम्प कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद हमने दोबारा सेक्शन लिया, इसको नेचुरल छोड़ दिया ताकि किसी को पता भी ना चले कि हमने बालों को क्रिम्प किया है। हमने दोबारा सेक्शन लिया और दोबारा उसी तरीके से हम इसको क्रिम करते हैं। तो हमारे इतने लिम्ब बाल हैं, उसका आंसर पता है क्या है आजकल? क्रिम्पिंग। ये देखा, हमने क्रिम्पिंग कर दिया, हमारे बालों में बाउंस है। देखा, नो बैक कॉम्बिंग। दोबारा सेक्शन लिया और इसको हमने छोड़ दिया एंड दोबारा, इसका मतलब ऑल्टरनेट, एक सेक्शन सिंपल, एक पे क्रिम्पर, एक पे सिंपल, एक पे क्रिम्पर, देखना हमारे बालों में बाउंस आ जाएगा। एंड नो बैक कॉम्बिंग फ्रॉम टुडे, प्लीज फॉलो दिस मैजिक फॉर ए बाउंस, नॉट दिस बैक कॉम्बिंग, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिम्पिंग ऑल्टरनेट।